नमस्कार, संदाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अगली वीडियो लेके आए हैं नंबर सेशन। जैसे कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, सक्सेसर है, प्रेडेसेसर है, इन सभी की डेफिनेशन बताएं याद आपको कि कौन सा नंबर कैसे फाइंड आउट होता है, तो कैसे पता चलता है कि ये नेचुरल नंबर है, ये सक्सेसर है, ये इवन है, ये ओड है। तो इसके लिए हमने नई वीडियो बनाई आपके लिए ताकि आपके काम। तो देखिए, सबसे पहले है नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है? तो देखिए, आर पॉजिटिव नंबर एंड काउंटिंग नंबर। आर पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 तो सभी प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। एंड काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर कौन सा होता है? 1, 2, 3 ये सभी काउंटिंग नंबर में आते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो देखिए, अब आपको समझ में आया होगा कि आर पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर यानी कि पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लगातार उसमें से काउंटिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5 लगातार चलेगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम? नेचुरल नंबर। आगे हमें एग्जांपल में दिया हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी कौन से नंबर है? ये सभी नेचुरल नंबर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में जो नेचुरल नंबर होता है उसमें जीरो को शामिल कर लेते हैं तो हमारा वो होल नंबर हो जाता है। तो इसमें देखिए, होल नंबर आर पॉजिटिव नंबर विच स्टार जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। आर पॉजिटिव नंबर विच स्टार जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। एग्जांपल 0, 1, 2, 3 ऐसे लगातार चलेंगे वो उसका बोलेंगे होल नंबर बोलेंगे। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? होल नंबर और नेचुरल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, यही डिफरेंस है। अगला है सक्सेसर नंबर क्या होता है। सक्सेसर नंबर क्या होता है कि द गिवन नंबर वी एड 1, द गिवन नंबर वी एड 1 डिजिट इज कॉल्ड सक्सेसर नंबर। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ आपके लिए कि 10 + 1 = 11 कि हमने जो गिवन नंबर में क्या हुआ है 10 है और हमने क्या बोला था इसमें कि वी एड 1 डिजिट, यानी कि इसमें हम एक डिजिट प्लस करते हैं तो इससे हमें न्यू नंबर यानी कि नई संख्या क्या मिली, हमें 11 मिली है। तो 11 क्या होगी? एक सक्सेसर नंबर होगी। उसी तरह है नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 12 + 1 = 13 कि 12 में 1 को प्लस किया तो 13 हमारे लिए एक न्यू नंबर है। तो इसी तरह से हम आज बताएंगे आपको कि प्रेडेसेसर नंबर, प्रेडेसेसर नंबर कौन सा होता है? ये सक्सेसर नंबर का अपोजिट होता है। सक्सेसर नंबर में हम 1 डिजिट ऐड कर रहे थे और प्रेडेसेसर नंबर में 1 डिजिट क्या करेंगे हम? सबट्रैक्ट करेंगे, 1 घटाएंगे। 1 घटाएंगे तो हमें उसे पीछे वाली संख्या मिलेगी, प्रेडेसेसर हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा? वो प्रेडेसेसर नंबर हो जाएगा। तो देखिए, यहां पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया गया है 9 - 1 = 8। 9 में से 1 हमने 1 डिजिट क्या किया? सबट्रैक्ट किया है, तो इसका मिला है 1 मिला है। और 24 - 1 = 23 तो इसमें क्या किया हमने कि द गिवन नंबर वी सबट्रैक्ट 1 डिजिट इज कॉल्ड प्रेडेसेसर नंबर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? इवन नंबर। इसके बाद क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है? दैट ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। कि द ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। वैसे तो नेचुरल नंबर
काफी होते हैं, बट इसमें जो नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होगा वही हमारा इवन नंबर होगा। तो इसके लिए हमारे पास काफी एग्जांपल है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ऐसे काउंटलेस होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, काफी होते हैं ऐसे जो इवन नंबर में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। ओड नंबर इवन नंबर का अपोजिट होता है कि द ओड नेचुरल नंबर विच नॉट डिवाइड बाय 2, कि जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती वो क्या कहलाएंगे, ओड नंबर कहलाएंगे। द ओड नेचुरल नंबर विच नॉट डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। फॉर एग्जांपल ये काफी दिया हुआ हमने कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो यहां पर एक बार देखिए, आप ऐसे सोच रहे होंगे कि यहां पर 1 3 5 7 ये लगातार दिया हुआ है, बीच में इसमें आपने 8 और 9 क्यों नहीं दिया, क्योंकि 8 और 9 ये क्या करते हैं, इसमें 8 और 9 है वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए हमने यहां पर 8 को नहीं दिया है। उसके बाद अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक पूछा है कि इंटीजर द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो देखिए द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, जो प्लस के होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, जिनके पहले माइनस सेपरेट और प्लस एंड का साइन दिया होता है। जैसे यहां पर सेपरेट का साइन दिया हो उनसे पहले, तो कौन सा ये इंटीजर होगा, नेगेटिव, प्लस 1 कौन सा होगा, पॉजिटिव, माइनस 2 कौन सा होगा, नेगेटिव, प्लस 2 कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो ये ग्रुप बताया गया है कि द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ये क्या कराएंगे भाई, सभी इंटीजर्स क्या रहेंगे, और इसी में आपको आगे हम बढ़ा भी सकते हैं, दिला सकते हैं, माइनस 9, प्लस का 9, माइनस का 10 होता है, प्लस का 10 है, इस तरह से हम काफी दे सकते हैं इंटीजर्स को, कोई गिनती होती है इस तरह से। तो आगे बढ़ते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा। तो आपको जितने भी मैंने नंबर सेक्शन जितने भी ये नंबर डेफिनेशन बताई है ये सभी आपको याद करने हैं, और अपने नोटबुक में आपको इनको याद होने के बाद साफ साफ इनको उतारना भी है, ताकि आपके ये आगे भी काम आएंगे। और इस तरह से हम अगली वीडियो लेके आएंगे जल्दी से ही।